हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना नादल आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिज़ाइनर कुर्ती। और ये कुर्ती मैंने प्लेन कपड़े से बनाई है और इस पर लगाए हैं मैंने पैचेस जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और इसके नीचे जो मैंने स्कर्ट पहनी है वो भी मैंने अपने अनारकली सूट से बनाई है। उसकी वीडियो मैं पहले ही काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर चुकी हूँ और उसको मैंने एज ए लहंगा भी पहले पहना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मैंने कैसे बनाई है। ये मैंने एक प्लेन कुर्ती ले ली है और इसको मैंने कटिंग कर ली है पहले ही, और अब मैं इस पर ये पैचेस लगाने वाली हूँ। और ये पैचेस मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि एक ब्राइडल चुन्नी से लिए हैं। इस टाइप के पैचेस छोटे बड़े साइज़ में अगर आपको चाहिए हैं तो मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने ब्राइडल चुन्नी को रीयूज़ करने का आइडिया दिखाया है, बट साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको इस टाइप के पैचेस अगर घर में आपके पास नहीं है तो आप इस टाइप का ड्रेस मार्केट से पैचेस खरीद कर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास तो ये पैचेस घर में ही हैं तो इनको ही मैं यूज़ करके दिखाऊंगी आपको कि ब्राइडल चुन्नी को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। इस टाइप के पैचेस आप अपने पुराने सूट्स में से भी कट कर सकते हैं। कई बार सूट ख़राब हो जाता है बट जो उसकी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है बहुत सुंदर होता है, तो उसको आप कट करके इस टाइप से किसी भी दूसरे कमीज़ पर, सूट पर, प्लेन कुर्ती पर खुद से ही डिज़ाइन कर सकते हैं। घर पर भी लगा सकते हैं या फिर आप एम्ब्रॉयडरी से टेलर से भी करवा सकते हैं उसे। तो इसे तो मैं घर पर ही कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। जिनको स्टिचिंग नहीं आती उनके लिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ कि उनको सिलाई का बिल्कुल भी कुछ भी इसमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा और ये एक सुंदर डिज़ाइनर कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे सेट किया है। सबसे पहले मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली। अगर आपको कुर्ती कट करनी नहीं आती है तो आप पहले टेलर से एक कुर्ती सिलवा लीजिए प्लेन, उसके बाद भी ये इजीली लग जाएंगे। और कैसे लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तो अभी सिलाई नहीं की है मैंने, तो जो नीचे इसका इस टाइप से तुरपाई वाला हिस्सा है उस पर मैंने निशान लगा लिए हैं। तो इतना मुझे ये दो दो इंच अंदर फोल्ड करना है तो मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि जो मेरे पैचेज हैं वो इसके ऊपर ही आ सके। दूसरा, मैंने साइड से भी जो फोल्ड होता है हिस्सा उस पर मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि मेरा कोई पैच ऐसे ना आए कि किनारे पे आ जाए और फिर वो अंदर फोल्ड हो। तो मैंने पहले ही उसके आइडिए से ये निशान लगा लिए हैं और ऐसे भी निशान लगा लिए हैं। मैंने दोनों तरफ इस टाइप से निशान लगाए हैं ताकि ये बिल्कुल बीच में आए। फिर मैंने क्या किया, बाई चांस कई बार क्या हो जाता है कुर्ती लंबी बन जाती है, फैशन ओल्ड हो जाता है, तो मैं इनको थोड़ा सा इससे ऊपर लगाऊंगी क्योंकि बिल्कुल नीचे लगा देंगे हम अगर तो अगर हमें इसको बाई चांस शॉर्ट करना पड़ जाए तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन लेके ऊपर की साइड निशान लगाए हैं। ये मैंने तीन निशान लगाए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर नीचे तीन लगाने वाली हूँ, फिर दो, फिर एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाऊंगी तो बहुत हैवी हो जाएगी कुर्ती, बट मुझे उतनी हैवी इसको बनाना नहीं है। तो इस टाइप से मैंने इनको एडजस्ट किया है। इनके बीच में दो ये बूटी और लगा दी मैंने और एक ये जो पैच मेरा बचा ये नेक के जस्ट नीचे। और ये देखिए, इससे पूरा सूट हमारा कवर हो गया है और ये गोल्डन है और ये पिंक है, पिंक पे गोल्डन और सिल्वर का काम है, तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन अभी से लगना शुरू हो गया है। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि हमें लगाना कैसे है। ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, पहले भी मैंने इससे एक डिज़ाइन बनाया था। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस टाइप की कोई भी शीट ले लेंगे या फिर न्यूज़पेपर ले लेंगे, मीन्स कोई ऐसी चीज़ कि हम बाय चांस इसको अगर मैं ज़मीन में रख के ही चिपकाऊंगी तो ये यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। मुझे कुछ देर के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा प्रेस भी करना पड़ेगा, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये फर्श पर चिपक जाए या मैं किसी टेबल पर भी इसको रख के करूँगी तो भी ये चिपक सकता है। और चद्दर, कपड़ा, कोई भी कुछ भी चीज़ मैं इसके नीचे लूँगी तो वो इसके साथ चिपक जाएगा और अगर मैं इसको हटाऊँगी तो कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो मैं इस टाइप की कोई शीट या न्यूज़पेपर रख लूँगी जो ईज़िली बाद में निकल सके। तो मैं इसको नीचे रख के और ये पेस्टिंग का काम इसका भी करने वाली हूँ।
टाइप से मैंने इसको नीचे रख लिया है और अब मैं इसको पेस्ट करूँगी ताकि न्यूज़पेपर या पेपर इजीली हमारा निकल जाएगा। ये मैंने इस टाइप से इनको रखा है, जो बीच का गैप है वो भी मैंने इक्वल किया है। ये इस टाइप से हो गया है हमारा। बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हैं इंची टेप से कि ये हमारा ठीक से है भी कि नहीं। ये देखिए ये इक्वल स्पेस है, ये इक्वल स्पेस है। थोड़ा कम ज़्यादा हो तो आप उसको सही से सेट भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस पर चौक से निशान लगा लीजिए ताकि गोंद लगा के जब हम पेस्ट करें तो ये अपनी सही जगह पर आए। और अब मुझे करना क्या है, ये एक पैच मैंने उठाया और ग्लू जो है मेरे पास फैब्रिक वाला उसको मैं इस पर अच्छे से लगा दूंगी। और जो मेरी सबसे ज़्यादा बताने वाली बात है वो ये है कि किनारी किनारी पे ज़रूर हमें लगाना है, क्योंकि किनारी से अगर हम नहीं लगाएंगे अच्छे से तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। देखिए ऐसे किनारी किनारी से लगा लीजिए और थोड़ा बीच में भी लगाएंगे हम ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। बीच में भी लगा लीजिए ताकि कोई चांस ना रहे निकलने के। इस टाइप से हो गया है। ये ग्लू अच्छे से लगाएं, कंजूसी ना करें, क्योंकि वजन है पैच में, अगर ग्लू कम लगाएंगे तो ये अच्छे से नहीं चिपक पाएगा। और ग्लू को थोड़ा सा फैला लीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये इस टाइप से हो गया है। और अब मैं इसको उठा के यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था उसी के बीच में एक बार ऐसे रख के देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो आप फिर से उठा करके इसको लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर दीजिए अच्छे से और बस ये पेस्ट हो गया है हमारा। एक बार यहाँ से थोड़ा सा उठा के देख भी लीजिए ताकि ये एकदम फिक्स ना होए। वैसे अगर हो भी गया तो ये बाद में निकल जाएगा। ये एक हमारा हो गया है पेस्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में भी मैं यही करूँगी, ग्लू अच्छे से लगा लेंगे हम। किनारी किनारी पे लगाना बहुत ज़रूरी है। से अब हम फिर से इसको सीधा करेंगे और ये जो मैंने निशान लगाया था उसी के बीच में मैं इसको रख के पेस्ट कर दूंगी। इसी टाइप से मैं सारे पैचेस को पेस्ट करके और फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये सारे पैचेस
सभी बैचेस हमारे लग चुके हैं और ये इस टाइप का लुक इसका आया है। और ये बनने के बाद, चुन्नी वगैरह पहनने के बाद बहुत सुंदर ये बनेगा। तो रेडी करके भी मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइज मेरी कुर्ती स्टिच हो चुकी है पूरी और ये देखिए इसका फाइनल लुक। और मुझे तो ये पहन के बहुत सुंदर लगी और बहुत ही मतलब लाइट वेट और कंफर्टेबल सी थी। और ये जो मैंने इसके नीचे पहना है लहंगा, ये मैंने अनारकली सूट से बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। और इस पर ली है मैंने कंट्रास्ट में पिंक चुन्नी, तो ये बहुत ही सुंदर मेरी कुर्ती बन गई थी। तो आप भी इस तरह से पैचेस यूज़ करके प्लेन अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये पैचेस लिए हैं मैंने अपनी ब्राइडल चुन्नी से, तो आप भी ऐसे ही अपनी हैवी ड्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उनको पैचेस में काट कर। तो ये मैं लहंगा मैंने जब पहना था उसकी भी एक पिक है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने ये एज ए लहंगा कैरी किया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। और आप भी इस तरह से अगर ट्राई करें तो मुझे उसकी पिक सेंड कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं इस टाइप की और भी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।